Hello everyone, in this video we'll see the next type of logic family as transistor logic family, which is also called in short as TTL logic family. Now in that previous video we have seen DTL as a diode transistor logic. So here we have used a combination of diodes with a transistor, so this was called as a diode transistor logic. अब इस वाले केस में हमने जो डायोड्स है उसको रिप्लेस किया है विद ट्रांजिस्टर्स. सो जो एंटायर स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ द ट्रांजिस्टर. आई मीन आई कम अक्रॉस इट्स ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम. तो देखिए यहाँ पर हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर नंबर वन T1, दिस इज इट्स बेस, ये कलेक्टर है एंड दिस इज द इमीटर. नाउ फॉर द इमीटर वी आर कनेक्टिंग द 3 इनपुट्स, दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग मोर देन अ सिंगल इनपुट. सो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर, वी आर कनेक्टिंग मोर देन अ सिंगल इनपुट. लेट दिस इज आर सेकंड ट्रांजिस्टर T2 एंड दिस वन इज T3. नाउ ऑल दिस ट्रांजिस्टर्स आर कनेक्टेड विथ सुटेबल रेजिस्टर्स, लाइक हियर वी आर कनेक्टेड अ बेस रेजिस्टर, हियर कलेक्टर रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर रेजिस्टर अक्रॉस दिस ट्रांजिस्टर एंड वी विल बी टेकिंग आउटपुट अक्रॉस दिस टर्मिनल. That is either V0 or Y. तो अब हमें चेक करना है कि ये किस तरह से एज ए NAND गेट वर्क करता है. सो आर प्रायोरिटी शुड बी दिस पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली शुड वर्क एज ए NAND गेट. तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर 3 इनपुट्स यूज कर रहे हैं. तो इस वाले को अगर हम ट्रुथ टेबल में लिखेंगे एज ABC. सो आर हैविंग 3 इनपुट मीन्स टोटल 8 कॉम्बिनेशंस विल बी गेटिंग 0. Then 1, then we have 2, this is 3, 4, maybe 5, 6 and 7. And इन सभी का हमें लेना है NAND गेट कॉम्बिनेशन. एंड अगर जो इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें आउटपुट मिलता है तो हम कह सकते हैं ये NAND गेट कैसा वर्क कर रहे हैं. तो लेट्स कम अक्रॉस द ऑपरेशन प्रिंसिपल. सो इन केस ऑफ द ऑपरेशन, फर्स्ट केस विल अज्यूम दैट ABC इज इक्वल टू 0, यानी तीनों इनपुट जो है वो है 0 का कनेक्ट है. तो देखिए क्या हो सकता है. नाउ इफ ए इज कनेक्टेड 0, बी 0, सी 0, तो यहाँ पर जो इमीटर जंक्शन है उसके अक्रॉस तो लॉजिक 0 आ जाएगा. नाउ अगर इनपुट 0 आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑलमोस्ट 0 है, लो लेवल का है, तो ये कट ऑफ हो गया. अब देखिए अगर ट्रांजिस्टर T1 कट ऑफ में है तो इसका आउटपुट हमने कनेक्ट किया है इस बेस को, यानी कि T2 के बेस को, तो यहाँ पर भी लॉजिक 0 आ जाएगा. अब लॉजिक 0 यानी ये भी कट ऑफ रीजन में जाएगा, ओपन सर्किटेड. अगर ये ओपन सर्किट है तो इसी का आउटपुट हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर बेस ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर. तो अगर ये कट ऑफ रीजन में तो ये भी क्या जाएगा, कट ऑफ रीजन में. दैट मीन्स व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, दिस 3 ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ रीजन. ओके, नाउ इफ दिस 3 ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा. ओपन सर्किट मीन्स देर इज़ नो पाथ फॉर VCC टू रीच द ग्राउंड. तो क्या हो जाएगा, VCC विल गेट कनेक्टेड एट द आउटपुट, ये यहीं से कनेक्ट हो जाएगा. सो इन दिस केस आर आउटपुट विल बी 1. ओके, तो ट्रुथ टेबल में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका ट्रुथ टेबल ABC आउटपुट. सो फॉर 000 आर आउटपुट इज 1. ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए. सिमिलरली अगर हम सेकंड केस कंसिडर करेंगे जो कि है AB एज 0 और C इज इक्वल टू है 1. ओके सर, दैट मीन्स इफ 2 इनपुट्स आर 0, तो इस वाले केस में हम देखते हैं. देखिए अगर A और B 0 है तो यहाँ पर 0 और 0 वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन C कितना है, 1. दैट मीन्स एक इनपुट ऐसा है जो लॉजिक 1 से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा ऑन स्विच बिकॉज हायर वोल्टेज इज अप्लाइड. अब द सेम वोल्टेज शुड बी अपियर अक्रॉस दिस वन. तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 1 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है. कितने वोल्ट का आ रहा है, 1 वोल्ट का. तो देखिए अगर ये 1 वोल्ट का है तो इसके अक्रॉस का अगर हम दूसरा वाला सप्लाई देखेंगे तो ये कितना आ सकता है, इट इज़ कनेक्टेड विथ VCC. अब अगर हम V1 को इस वाले VCC से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली VCC विल बी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. अगर VCC ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो हो जाएगा कट ऑफ, क्योंकि जो
आउटपुट का वोल्टेज जो जो इनपुट का वोल्टेज वो कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 1 वोल्ट का फॉर एग्जांपल, और यहाँ से आ रहा है VCC 5 वोल्ट हो सकता है या फिर 3 वोल्ट हो सकता है। तो ये जाएगा कट ऑफ में, अगर ये वाला कट ऑफ में है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ओपन सर्किटेड, तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो इफ यू राइट T2, T3 विल बी इन कट ऑफ, फाइन। अगर T2, T3 कट ऑफ है तो देखिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा, दैट मीन्स आउटपुट ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, VCC से। सो इस वाले केस में भी हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 1। सो वी कैन राइट इवन इन द सेकेंड केस 001 आर आउटपुट विल बी 1। ओके, सो दोनों केस में हमें आउटपुट क्या मिला है, 1। इसी तरह से अगर हम देखेंगे सभी कॉम्बिनेशन को, देखिए इस वाले कॉम्बिनेशन में 2 जीरोज़ है तो डेफिनेटली आउटपुट 1 ही आएगा। अब इस वाले कॉम्बिनेशन में चलते हैं 0 1 1 के केस में, सो विल बी राइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन 0 1 1, यानी दो इनपुट्स हाई है और एक इनपुट लो को सकते। सो थर्ड कंडीशन हम कंसिडर करेंगे, ए 0 है, बी एंड सी आर कनेक्टेड विद लॉजिक, तो देखिए क्या हो सकता है। अब ए 0 है लेकिन बी के अक्रॉस 1 वोल्टेज है और इसके अक्रॉस भी 1 लॉजिक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 है, तो ये ऑन हो जाएगा। नाउ इफ इट इज़ ऑन, इसके अक्रॉस जो सप्लाई था वो रीच हो जाएगा इसके अक्रॉस, तो देखिए बी 1 था और सी भी है 1, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है अक्रॉस बेस टर्मिनल वो डबल हो रहा है। अर्लियर केस में 1 था, अब कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, देखिए दिस इज 2 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। और इसका अदर सप्लाई कहाँ से कनेक्ट है, 5 वोल्ट से या फिर 3 वोल्ट, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 2 को 3 या 5 से कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली ये वाला ग्रेटर है इससे, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट कट ऑफ रीजन में जाएगा क्योंकि सप्लाई लेस है। अगर ये कट ऑफ में तो ये भी क्या जाएगा, कट ऑफ में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, सो दिस इज ओपन सर्किट। अगेन इफ इट इज़ ओपन सर्किट सो यहाँ से कुछ पाथ नहीं है, तो जो आउटपुट है वो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, VCC से। सो इस वाले भी केस में अगर हम देखते हैं तो T2, T3 जो है वो है कट ऑफ रीजन में, सो अगेन आर आउटपुट विल बी हाई, दैट विल बी 1। तो देखिए इस वाले केस में भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। नाउ नेक्स्ट 100, देखिए इसमें भी 2 इनपुट 0 है, वो इसी वाला केस आ जाएगा। अगर 2 इनपुट 0 है तो डेफिनेटली आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 1। इस वाले केस में भी देखिए 101 में हमें 2 टाइम्स 1 मिल रहा है, तो डेफिनेटली आउटपुट क्या हो सकता है, 1। अगेन 110 के केस में भी 2 टाइम्स 1 है, वही सीन है, 2 1 हो जाएगा, तो ये भी कट ऑफ, ये भी कट ऑफ, तो इस वाले केस में भी आउटपुट कितना मिलेगा, 1। अब चलते लास्ट कंडीशन में, जब व्हेन 3 ऑफ द इनपुट्स आर हाई, सो लेट्स राइट द लास्ट कंडीशन, ए बी सी दिस 3 आर कनेक्टेड विथ लॉजिक 1। अब देखिए दिस इज कनेक्टेड विथ लॉजिक 1, ये भी 1 से है, ये भी 1 से कनेक्ट है, तो ये ऑन हो जाएगा। अब अगर ये ऑन हो गया तो यहाँ से जो सप्लाई है वो कितना वोल्ट का जा सकता है, 3 वोल्ट का, यानी कि जो मैक्सिमम सप्लाई हमने कनेक्ट किया वो कहाँ पर आ जाएगा, बेस के अक्रॉस। अगर मैक्सिमम सप्लाई बेस के अक्रॉस आता है तो ये वाला सर्किट ट्रांजिस्टर जो है वो हो जाएगा ऑन। अब तक ये ऑफ था क्योंकि जो मैक्सिमम सप्लाई वो रीच नहीं हो रहा था, मिनिमम सप्लाई वॉज रीच, बट इन दिस केस क्या हो रहा है, मैक्सिमम सप्लाई बेस के अक्रॉस आ रहा है। अब मैक्सिमम सप्लाई अगर बेस के अक्रॉस आता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज था वो अपीयर हो जाएगा इसके अक्रॉस, यानी कि अगेन मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। मैक्सिमम सप्लाई की वजह से जो T3 है ये भी क्या हो जाएगा, अब शॉर्ट सर्किट। अर्लियर केस में ओपन सर्किट था, अब हो गया शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो कुछ इस तरह से इसे पाथ मिलेगा, यस ये वाला सा, और यहाँ पर तो अपना आउटपुट है, तो आउटपुट कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, और ग्राउंड के अक्रॉस तो लेवल है हमारा 0। सो लास्ट केस में व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, यू कैन सी T2, T3, लेट सपोज दे आर इन एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, तो आउटपुट कितना आ जाएगा हमारा, 0। सो इन लास्ट कंडीशन आर आउटपुट विल बी 0। ओके, सो देखिए फॉर फर्स्ट 7 कॉम्बिनेशन आउटपुट हाई है और लास्ट के लिए है 0। ओके, अगर हम देखते हैं तो ये वाला वर्क कर रहा है एज ए नैंड गेट। क्यों नैंड गेट वर्क कर रहा है, तो देखिए सर इसके लिए अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एक एंड गेट को जिसका
थ्री इनपुट्स है ए बी सी, और यहाँ पर बबल है तो ये नैंड गेट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जीरो जीरो जीरो, सो जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो का कॉम्प्लीमेंट होता है वन, तो हमें मिल गया वन। नेक्स्ट जीरो जीरो वन के केस में भी देखिए जीरो इंटू जीरो जीरो, अब जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा जीरो, और उसका कॉम्प्लीमेंट वन, तो ये वन हो गया। अब रेस्ट ऑफ द कंडीशन में अगर हम देखते हैं यहाँ तक वन वन जीरो तक, तो हमें एटलीस्ट वन इनपुट ज़ीरो मिल रहा है इन तीनों के अक्रॉस, कम से कम एक इनपुट ज़ीरो है, तो डेफिनेटली इसका आउटपुट कितना आना चाहिए वन। और लास्ट वाले केस में देखिए तीनों इनपुट वन है, वन वन वन, सो वन इंटू वन तो वन हो गया, वन इंटू वन वन हो गया, और वन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है देखिए ज़ीरो। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सर्किट इज नाउ वर्किंग एज व्हाट नैंड गेट। तो हम लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट इज नाउ वर्किंग एज ए नैंड गेट। सो दिस इज हाउ यू कैन इलोबरेट द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक एज ए नैंड गेट। थैंक यू।